Hi, welcome back to the Basketball Biology channel. Give likes, give comments and share the links and also press the bell icon. Today we are going to continue the same topic, that is a human nervous system. As we know that human nervous system is made up of the three parts. One is the central nervous system, second is the peripheral nervous system, and third and final, the last, is autonomic nervous system. Hum ye dekhne wale hain. या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सब कंपोनेंट्स हम देखने वाले, एक है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज अ पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? हमने पहले इसमें देखे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था। दूसरे इसमें हमने देखे जहां से क्रैनियल नर्व है या स्पाइनल, ये जो नर्व निकल रहे ये फाइनली इम्पल्स, एक मैसेज जो लेकर जाने का काम करते हैं, इंपल्स लेकर जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक इनवॉलंटरी ऑर्गन को, या जैसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन के पार्ट है जहां पर हम मसल्स पर देखने वाले। तो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम बना कैसे? ऑटोनोमस सिस्टम में इसके पास में, किसके, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पेरीफेरी में कुछ सेट ऑफ नर्व्स होते हैं, कुछ नर्व्स की पेयरिंग्स, यानी कुछ बंडल बंचेस हमको देखने को मिलेंगे। इनका काम होता है सराउंडिंग के जो भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, जैसे कि कार्डियक मसल्स है, जैसे कि स्मूथ मसल्स है, जैसे कि ग्लैंड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के मैसेज को लेकर जाने का काम करता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। नाउ ऑटोनोमस नर्व सिस्टम में हमको एक चीज देखने को मिलेगी कि न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिनेप्टिक कनेक्ट करता है। वी नो दैट सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं कि एक न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन का एंड, दोनों के बीच में गैप होता है, क्लेफ्ट होता है, उसे कहते हैं सिनेप्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे कि मोनोसिनेप्टिक है या पॉलीसिनेप्टिक है, सिनेप्स से कहते हैं। लेकिन जिस जगह पर दो न्यूरॉन के सेल बॉडीज एक जगह आकर बाइंड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और कुछ कनेक्टेड टिश्यूज और ग्लीलियल सेल्स उसको बाइंड कर बांध कर रखने का काम करती, वो जगह जो स्वोलन हो गई, उस स्वोलन जगह को कहते हैं गैंग्लियन। ये है वो, देखिए गैंग्लियन, ये डॉटेड लाइन क्या कर इंडिकेट कर रही है, ये गैंग्लियन। तो देखा गया कि इस गैंग्लियन के पहले का न्यूरॉन को कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, यानी गैंग्लियन से बिफोर का, और उसके बाद वाले, गैंग्लियन के बाद वाले न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। अब ये दो वर्ड आपको बार बार सुनने को मिली, प्री एंड पोस्ट। तो अब यहां पर देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक्सॉन, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है इस न्यूरॉन का, यह है एक्सॉन, ये एक्सॉन दूसरे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियन, ये गैंग्लियन, इन दोनों के बीच में एक सिनेप्स बना। लेकिन ये जो न्यूरॉन है ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कहा जाएगा। नाउ उसके बाद वाला, ये वाला सेकेंड वाला, सेकेंड न्यूरॉन जो कि उसके मैसेज को आगे लेकर जाता है, अब उसका एक्सॉन और इसके बीच का जो सिनेप्स है, तो अब ये जो न्यूरॉन रहेगा, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ पोस्ट गैंग्लियनिक, यानी गैंग्लियन के बाद का न्यूरॉन, जिसका काम होता है कनेक्शन। फाइनली क्या हो रहा है, इट गेट्स एंड कनेक्टेड टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन यानी जहां उस इंपल्स का इफेक्ट दिखने वाला है, यानी जैसे कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स या डिफरेंट ग्लैंड्स में इफेक्ट दिखने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, सो दिस इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। नाउ लेट्स मूव दैट, फाइनली वी नो दैट दिस आर मेड अप ऑफ द टू सब कंपोनेंट्स। तो ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, वन इज अ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज अ पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। So, आप डायग्रामेटिकल भी यहां देख सकते हैं, ये है सिंपथेटिक नर्व सिस्टम और यहां पर है पैरासिंपथेटिक नर्व सिस्टम, लेट्स सी मी। लेकिन अब यहां ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, अब जैसा हम आगे बढ़ेंगे एक एक देखेंगे, तो ये व्यू ऑफ डायग्राम जो है यहां पर आपको क्लियरली पूरा विजुअल हो जाएगा कि ये क्या बता रहा है। नाउ नंबर वन इज अ सिंपथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपथेटिक नर्व सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ थोरैकोलुम्बार आउटफ्लो। थोरैकोलुम्बार किसे कहेंगे, जैसे कि यह है ब्रेन का पार्ट नर्व सिस्टम का, क्रैनियल, उसके बाद आता है गर्दन वाला पार्ट जिसे कहते हैं सर्वाइकल, उसके बाद वाला जो है ये रेड बॉक्स के अंदर देखेंगे, यहां से आता है थोरैक्स, यानी यहां से रिब्स शुरू हो रहे हैं, फसलियां, वहां से लेकर रिब्स कितने हैं, 1 to 12 होते हैं, ओके,
और 1 to 12 के बाद फिर आता है लुम्बार रीजन, ओके, यहाँ पेट कल रिब्स फिनिश होने के बाद लुम्बार रीजन में भी 5 होते हैं, लुम्बा 1, L1, L2, L3, L4, L5, लेकिन ये कहां तक है, ओनली L2 तक, यानी थोरैसिक के फर्स्ट से लेकर लुम्बार के सेकेंड तक का जो रीजन है ये इतना, सिर्फ इतना, इसे कहते थोरैसिक एंड लुम्बार रीजन का आउटफ्लो, ये होता है सिंपैथेटिक रीजन। नाउ ये स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये होता है स्टार्ट फ्रॉम द थोरैसिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, T1 से T12 तक ये रहेगा, उसके बाद L1, L2, L3, ओके, लास्ट L3 तक है, सॉरी, तो L3 तक ये प्रेजेंट रहेगा। दिस रीजन इज नाउ कॉल्ड एज अ थोरैकोलुम्बार रीजन या थोरैकोलुम्बार आउटफ्लो, जिसके दोनों साइड में, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में यहां पर 22 pairs, इधर राइट साइड में 22 और लेफ्ट साइड में 22, ऐसे दोनों की जोड़ी बन गई, तो 22 pairs ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियाज आर प्रेजेंट, दिस इज द गैंग्लिया, यू कैन सी, गैंग्लिया किसे कह रहे हैं, अभी हमने बताया गैंग्लिया उस रीजन को कहा जाता है जहां पर एक न्यूरॉन का साइड सेल बॉडी दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी से कनेक्ट होती है पास में सिनेप्टिक, और दोनों को बाइंड कर रखा जाता है कनेक्टेड टिश्यूज है और ग्लियल सेल से, तो वो रीजन जो उस जगह फूल गया उस रीजन को गैंग्लियन कहा गया। अब ये गैंग्लियन किसका है फिर, दिस इज द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, कितने जोड़ी है, 22 पेयर्स दे आर प्रेजेंट, ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की इधर साइड से और उधर साइड से दोनों तरफ आएंगे। नाउ ये 22 जोड़ी सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होते हैं दे आर, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि दिस इज द गैंग्लिया, ये दिस वन इज वन गैंग्लिया, दिस सेकेंड गैंग्लिया, थर्ड गैंग्लिया, ये है पेयर में, और ये गैंग्लिया ऐसे यहां पर 22 इधर से और 22 ये साइड से है, ओके, और इनके कनेक्शंस हम आगे देखने वाले। प्री गैंग्लियोनिक नर्व, इसमें भी प्री एंड पोस्ट है, गैंग्लियन के पहले का नर्व न्यूरॉन और गैंग्लियन के बाद का नर्व, गैंग्लियन मीन्स ये पॉइंट जहां स्वोलन पॉइंट है, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है। अब हम सिंपैथेटिक का देखेंगे, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का जो दो गैंग्लियन है, प्री, ये है प्री वाला, और ये जो इसके बाद वाला दिख रहा है ये पोस्ट गैंग्लियन, तो इसमें देखा गया कि प्री वाला जो होता है इसकी लेंथ काफी छोटी होती है, शॉर्ट होता है, लेकिन पोस्ट वाला का लेंथ काफी लार्ज यानी काफी लॉन्ग होता है। देखिए अब जाकर फाइनली वो इफेक्टर इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इन्वेंट्री ऑर्गन कौन से है, हमने अभी जैसे कि स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, डिफरेंट ग्लैंड्स है, ये उनको जाकर कनेक्ट करता है, इसलिए इसका लेंथ ज्यादा है। देन आपको कंपेयर करना है, आगे भी आप देखेंगे। अब फाइनली यहां पर क्या होता है कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन का जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन है वो क्या करता है, फाइनली जब एंड टच कर जाकर फाइनली वो इफेक्टर ऑर्गन को कनेक्ट करता है तो वहां पर सिक्रीट करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये टर्मिनल एंड जो बल्ब एंड होता है यहां पर, ये जो दिस वन इज द बल्ब एंड, यहां पर ये एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंड में इफेक्टर ऑर्गन को जो कनेक्ट कर रहा है वहां पर ये सिक्रीशंस करता है, कुछ सिक्रीशंस रिलीज किए जाते हैं, इन सिक्रीशंस को यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन कहते हैं, न्यूरोन से ट्रांसमिट किया गया कुछ केमिकल दैट इज एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन होते हैं। ये यहाँ एंड, ये देखिए एंड पॉइंट को थोड़ा जूम कर आपको बताया गया, यहाँ पर ये सिक्रीशंस हो रहे हैं। नाउ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम क्या है, ये केमिकल जो रिलीज कर रहा है एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, ये करते क्या है, जनरली ये कंट्रोल करते हैं बॉडी के ऐसे एक्टिविटीज को दैट वर्क्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, जैसे कि फाइट फ्लाइट या फ्राइट या फियर, जब डरे हुए है या जब कोई आपको मार रहा है या आप उसको मारने के लिए रेडी हो रहे या जब आपको फाइट करना है किसी से, उस कंडीशंस में उस स्ट्रेस कंडीशन में जो सिक्रीशंस रिलीज किए जाते हैं ये उसमें वर्क करता है, ये एक्टिविटीज उसमें एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के जो इम्पल्सेस है जो ऑर्डर्स है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लुम्बार, थोरैसिक के 1 to 12 तक और लुम्बार के 1 to 3, यहां से मैसेज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं पूरे जो जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा वो पूरे ऑर्गन को ये एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं
यानी एक्साइटेड, यानी इनकी स्पीड को बढ़ाते, वर्किंग स्पीड को या जो भी उनकी पीआर ऑर्गन की बढ़ाते कुछ छोड़कर, जिसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये दोनों को ये स्टिमुलेट नहीं करते, इनहिबिट करते। ये थोड़ा सा अजीब काम है यहाँ पर। पूरे ऑर्गन्स में ये दो छोड़कर जितने भी ऑर्गन्स है ये सबको स्टिमुलेट करेंगे वर्क करने के लिए, इन दोनों को इनहिबिट करेंगे यानी रोकेंगे, जो भी वर्किंग स्टार्ट हुई थी इसको स्टॉप करने का ऑर्डर देते। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। पहले वाले को क्या था? थोरैको लुम्बार, ये था वो थोरैसिक लुम्बार है, लेकिन इसका इसका क्या है, क्रैनियम, यानी ये यहां से निकल रहे और नीचे का ये है सैक्रल, ये सैक्रल रीजन है, तो इसलिए इसका नाम, ये दो ही पॉइंट पर कनेक्शन है, एक ऊपर वाले में क्रैनियम से निकल रहे कुछ और कुछ नीचे के सैक्रम से निकल रहे, बस ये दोनों ही पैरासिम्पेथेटिक के पार्ट्स है। ओके, नाउ लेट्स सी कितने नर्व्स है, कौन से नर्व्स है यहां से निकलने वाले, क्रैनियम से। अब यहां यू कैन सी द ये नंबर थ्री वाली, देन नंबर सेवन, देन नंबर नाइन एंड नंबर टेन। ओके, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए थर्ड का नाम क्या है, सेवंथ का नाम क्या है, नाइन्थ क्रैनियल नर्व्स का नाम क्या है और टेंथ का नाम क्या है। ये यहां से निकल रही है, ओके, कनेक्शंस बाहर निकले और जाकर ये अपने अपने ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे का पार्ट है जिसे हम सैक्रम कहते हैं, सैक्रम के भी कौन से है, सैक्रम की सेकेंड वन, सैक्रम की थर्ड और एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये कनेक्शन निकल रही है और ये जाकर देखो कनेक्ट कौन से ऑर्गन को कर रहे हैं। तो ये है पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम का आगे का कनेक्शन। पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमस नर्व सिस्टम का हम देखते हैं कि इसके अंदर भी प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं। अब ये हम देखेंगे कि इसमें जो प्री वाले न्यूरॉन की लेंथ यहां ज्यादा है लेकिन पोस्ट वाले की लेंथ कम है, क्योंकि ये डायरेक्टली इतना क्लोज होता है, इतना उस इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है कि ऐसा लगता है कि उसके अंदर है, विद इन द इफेक्टर ऑर्गन। जैसे कि पहले वाले में नहीं था, सिंपथेटिक में ऐसा नहीं था, लेकिन पैरासिंपथेटिक में ये बहुत क्लोज होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ओके? तो दोनों की लेंथ की हम देखते हैं कि पैरासिंपथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ कम थी, इसकी पोस्ट वाली की यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ये डिफरेंसेस है पैरासिंपथेटिक एंड सिंपथेटिक के अंदर। नाउ सिंपथेटिक में हमने देखी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जैसे कि एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन को सिक्रीट किया जा रहा था, जो स्ट्रेस एक्टिवेट कराते थे, स्टिमुलेट कराते थे दो को छोड़कर। दो कौन सा था? एक था एक्सक्रेटरी सिस्टम और दूसरा था डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स सी यू नाउ पैरासिंपथेटिक में सिक्रीशन किया जा रहा है केमिकल जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, जो इंपल्स को लेकर जाने वाला है। ये भी रिलीज किया जाता है टर्मिनल एंड, जब सिनेप्स होता है एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, सिनेप्स है वहां पर, इसको रिलीज किया जाता, ये इफेक्टर ऑर्गन में रिलीज किया, इसलिए इसको कोलिनर्जिक ये फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि कोलिन कुछ रिलीज कर रहा है, वो एड्रिनलिन को रिलीज कर रहा है। नाउ पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम बिल्कुल सिंपथेटिक नर्व सिस्टम के अगेंस्ट काम करती है। अगेंस्ट मतलब एंटागोनिस्टिक। अगेंस्ट क्यों कहा इसको? क्योंकि सिंपथेटिक एक्टिवेट कर रहा है किसी को काम कराने के लिए और ये आकर उसको रोक रहा है, स्लो करा रहा है या स्टॉप करा रहा है, यानी ये स्ट्रेस हो रहा है और ये उसको रिलैक्स करा रहा है, इसलिए अगेंस्ट काम कराता है। ये पैरासिम्पथेटिक इट ब्रिंग्स बैक टू द नॉर्मल, जो ऑर्गन बहुत एक्टिवेटेड हो गए और फास्ट काम कर रहे थे ये उसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है, इसलिए इसको हाउस कीपिंग सिस्टम कहा जाता है। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इज अ हाउसकीपिंग सिस्टम, जो वापस अपने घर को वापस अपने कंडीशन पर लाकर रखता है। ये इनहिबिटरी इफेक्ट कराता है ऑलमोस्ट सब ऑर्गन में दो छोड़कर। दो कौन से? जो सिंपथेटिक ने स्टॉप किया था, इनहिबिट किया था, ये उसको एक्टिवेट, यानी क्लियरली यहां देखिए सिंपथेटिक सबको एक्टिवेट करता दो को छोड़कर, पैरासिंपथेटिक सबको रिलैक्स करता दो को छोड़कर। वो दो कौन है? दो है यहां पर वही डाइजेस्ट सिस्टम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड मिक्चुरेशन। डाइजेशन क्या है? जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होती है कि
ईसोफेगस जिसमें से फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, फूड पाइप में जब फूड का बोलस नीचे जाता तो उसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल एक साथ पूरे प्रेस नहीं होते, एक सर्कुलर प्रेस हुई फिर लॉन्जिट्यूडनल, तो फूड बोलस नीचे नीचे सरकता उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसके कंट्रोल यहां से आ रहा है। ओके, तो ये पैरासिम्पथेटिक उसकी मूवमेंट को एक्टिवेट कर रहा था और सिंपथेटिक स्टॉप कर रहा था। दूसरा, मिक्चुरेशन इज नथिंग बट एक ऐसा एक्ट जहां पर यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन एक लिमिट 800 टू 1000 ml तक फुल हो जाता है तो अंदर के जो स्ट्रेच मसल्स होते हैं वो डेट्रूसल मसल्स को मैसेज फीडबैक मैकेज आता है कि आप ये उससे ज्यादा एक्सपांड नहीं हो सकते, तब मैसेज आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का जिसके से यूरिन आउटसाइड निकलता है, वो एक्ट यूरिन आउटसाइड निकलने को मिक्चुरेशन कहते हैं। तो ये पैरासिंपथेटिक ने जिसको स्टॉप किया था ये उसको एक्टिवेट करता। ओके, पैरासिंपथेटिक ये एक्टिवेट कराता है पेरिस्टाल्सिस डाइजेशन एंड मिक्चुरेशन को, और सिंपथेटिक उसको उल्टा वो उसका एंटागोनिस्ट यानी इनहिबिट कराता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।